एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई एम योर टीचर पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप किस तरीके से प्रॉपर यूज कर सकते हैं AHRF टूल का, और AHRF टूल को यूज करके आप क्या क्या बेनिफिट्स अर्न कर सकते हैं, साथ ही इस टूल को यूज करके आप अपनी वेबसाइट को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी विजिबिलिटी को और उसकी रैंकिंग को, हम इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और साथ ही प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि हम किस तरीके से जो हमारा HRF का टूल है उसको यूज करेंगे और साथ ही अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम कि हम किस तरीके से HRF टूल को यूज करने वाले हैं। HRF टूल का जो यूज है वो बहुत सारे पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए है, जैसे कि आपके पास कितने बैकलिंक्स बन गए हैं, कोई नया बैकलिंक बना है कि नहीं, कुछ बैकलिंक्स लॉस्ट हो गए हैं, ब्रोकन हो गए हैं, कितने एंकर टेक्स्ट बने हैं या जो ब्रोकन लिंक्स हैं, प्लस आप इसमें कॉम्पिटिटर्स के PPC के कीवर्ड्स भी देख सकते हैं और साथ ही उनके एड्स भी देख सकते हैं। इसके साथ ये आपको उनके टॉप जो लैंडिंग पेजेस है उनका डेटा भी देता है। ऐसे बहुत सारा डेटा आपको HRF में देखने को मिलेगा। उससे पहले अगर दोस्तों आपको नहीं पता कि बैकलिंक क्या होते हैं, वो आप किस तरीके से बना सकते हैं, तो उसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो पहले से बना चुके हैं, वो वीडियो आप ऊपर आई बटन से देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने HRF टूल की ओर। सिंपली आपको HRF टूल में वेबसाइट डालनी है, आपको सर्च करना है साइट एक्सप्लोरर में। अब दोस्तों आप यहां देखेंगे कि आपको क्या क्या डेटा शो हो रहा है, मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ। ये है हमारी HRF की रैंक, की HRF के अकॉर्डिंग इस वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो क्या है। ये है UR, यानी कि URL की जो रेटिंग है वो, और ये है इस डोमेन की रेटिंग। इसके बाद ये है हमारे बैकलिंक्स का काउंट कि यहाँ पर अब तक टोटल कितने बैकलिंक्स बन चुके हैं, रिसेंट के कितने हैं और पुराने कितने हैं, सारा का सारा डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। इसी के साथ यहाँ हमको पता चल रहा है रेफरिंग डोमेन। दोस्तों बैकलिंक और रेफरिंग डोमेन में एक छोटा सा अंतर है कि जो आपका बैकलिंक होता है वो आपके मल्टीपल हो सकते हैं, क्योंकि आप बैकलिंक को एक ही वेबसाइट पे क्रिएट कर सकते हैं, बट वहां से जो रेफरिंग डोमेन मिलेगा वो आपको एक ही मिलेगा। यानी कि आप एक ही वेबसाइट पे 50 बैकलिंक बना सकते हैं, बट वहां से जो आपको रेफरिंग डोमेन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक मिलेगा। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कि इस वेबसाइट के कितने ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं जो रैंक हो रहे हैं, और यहाँ किन कीवर्ड्स पे ये लोग एड्स रन कर रहे हैं उसका भी डेटा आपको यहाँ मिलेगा। इनका ऑर्गेनिक ट्रैफिक का डेटा कितना है और इनके जो ट्रैफिक की वैल्यू है वो कितनी है। आपको यहाँ बैकलिंक का प्रोफाइल भी दिखाई देगा कि लास्ट जो 3 मंथ्स है उसमें इन्होंने बैकलिंक्स कितने बनाए, कितने लॉस्ट हुए, ये सब आपको यहाँ पर दिखा रहा है। आप यहाँ देखेंगे राइट साइड पे आपको दिखा रहा है कि रेफरेंस डोमेन्स कितने हैं इनके, उसमें से डू फॉलो रेफरेंस डोमेन कितने हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर कितने हैं, एजुकेशनल वेबसाइट पे कितने हैं, गवर्नमेंट की जो एक्सटेंशन है डोमेन का उस पे कितने रेफरेंस डोमेन है, वो सारे की सारी डिटेल्स आपको यहाँ दे रहा है। आप यहाँ रेफरेंस डोमेन का काउंट जो देखेंगे टाइम टू टाइम ये अपग्रेड होता गया है और इनका जो रेफरेंस डोमेन है वो इंक्रीज होता गया। ये ऑल टाइम का डेटा है, आप चाहे तो यहाँ से 1 ईयर का कर सकते हैं, लास्ट 30 डेज का कर सकते हैं, आपको ये डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद हम नीचे आते हैं, सेम इसी तरीके से रेफरिंग पेजेस भी है उसका डेटा शो होगा, और यहाँ पर आप देखेंगे आपको दिखाएगा कि यहाँ बैकलिंक्स कितने हैं, उसमें से नो फॉलो कितने हैं और डू फॉलो कितने हैं, आपको ये डेटा भी यहाँ पर दे रहा है। साथ ही UGC कंटेंट जो यूजर जनरेटेड हमारे कमेंट्स होते हैं वो कितने हैं, स्पॉन्सर्ड कितने हैं, टेक्स्ट रिलेटेड रिडायरेक्ट इमेजेस फॉर्म में, ये सारा का सारा डेटा यहाँ पर आपको दिख रहा है। के बाद आप यहां देखेंगे डोमेन की जो रेटिंग है वो क्या थी, क्या हो गई है, सारा का सारा चेंजेस यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप यहां देखेंगे कि URL रेटिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि किस किस रेटिंग की जो वेबसाइट है उससे जो बैकलिंक्स मिले हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर इन्होंने बता रखा है कि जो URL रेटिंग 81 से 90 के बीच की रेंज है उसमें इनके पास 34 वेबसाइट्स है या लिंक्स है इनके पास। उससे यहां आप देखेंगे कि जो कुछ नए रेफरिंग डोमेन बने हैं या कुछ लॉस्ट हुए हैं, ईच डे का आपको यहाँ पर काउंट दे रखा है। बैकलिंक्स सेम इसी तरीके से कितने लॉस्ट हुए हैं, कितने नए बने हैं, डू फॉलो है, नो फॉलो है, सारा डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ CCTLD का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि कौन से डोमेन या किस लेवल के डोमेन पे कहाँ कहाँ पर या किस परसेंटेज में यहाँ पर बना हुआ है हमारा बैकलिंक,
और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ आपको एंकर्स भी शो कर रहे हैं किस एंकर पर सबसे ज्यादा रेफरेंट डोमेन है, आपको यहाँ पर सारा का सारा डेटा देखने को मिल गया। इसके बाद हम आते हैं अपने ऑर्गेनिक सर्च पे। अगर तो आप यहाँ ऑर्गेनिक सर्च में देखेंगे कि जो भी इनका ऑल टाइम का ट्रैफिक है वो यहाँ पर इन्होंने शो कर दिया। इसी के साथ आप यहाँ देखेंगे कि किस कंट्री में सबसे ज्यादा ट्रैफिक है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, कितने कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हर कंट्री का डेटा इन्होंने यहाँ पर शो कर रखा है। अगर आपके पास उस कंट्री से डेटा आता है या ट्रैफिक आता है तो वो यहाँ पर आपको शो करेगा। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने हैं टाइम टू टाइम, सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ट्रैफिक की क्या वैल्यू है वो भी बताएगा, और साथ ही इनके टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स जो हैं ब्राज़ील में, ब्राज़ील में क्यों दिखा रहा है क्योंकि इनका जो मैक्सिमम ट्रैफिक है वो ब्राज़ील से आता है। यहाँ पीपीसी एड्स की जो कीवर्ड्स हैं वो दिखाएगा, उनकी ऑर्गेनिक पोजिशन दिखाएगा कि हमारी ऑर्गेनिक पोजिशन क्या है इनकी, और टॉप जो ऑर्गेनिक कीवर्ड है वो ब्राज़ील के हिसाब से कौन सी है वो यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है। टॉप पेजेस कौन से हैं इनके जिन पे किस हिसाब से ट्रैफिक है, ट्रैफिक की अरेंज कर रखा है उस हिसाब से। अब आप हम क्लिक करते हैं बैकलिंक के प्रोफाइल पे, तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हमें बैकलिंक्स सारे के सारे बैकलिंक्स दिखाते हैं, चाहे वो डू फॉलो हो, नो फॉलो हो, लिंक बेस्ड हो या रिडायरेक्ट बेस्ड हो, सारे के सारे बैकलिंक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप इनको फिल्टर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डू फॉलो पे कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डू फॉलो लिंक चाहिए। सिंपली इसी तरीके से आप यहाँ पर रेगुलर लिंक बेस या किस लिंक का क्या टाइप है उस टाइप के हिसाब से आप यहाँ सॉर्ट कर सकते हैं कि हमें इस टाइप का लिंक है वो देखना है। और अगर आप डोमेन की रेटिंग के हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हैं वो डेटा यहाँ डाल के आप अप्लाई कर सकते हैं, और चाहते हैं कि हम डोमेन के ट्रैफिक के हिसाब से फिल्टर करना है हमें अपना बैकलिंक्स तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी सब डोमेन को एक्सक्लूड करना चाहते हैं वो भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको और फिल्टर्स लगाने हैं जैसे कि टाइटल के बेस पे, यूआरएल के बेस पे, तो सारा का सारा जो कंट्रोल है वो आपको यहाँ पर मोर फिल्टर्स में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं अपने ब्रोकन बैकलिंक्स। आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपके जो ब्रोकन बैकलिंक्स हैं वो देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको कि इस वेबसाइट से या किसी वेबसाइट से बैकलिंक आ रहा था बट अब वो ब्रोकन हो चुका है, तो अब इन्हें उन चीज़ों को सही करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो बैकलिंक है वो ब्रोकन हो चुका है, तो आप उसे दोबारा ठीक कर सकते हैं ताकि आपका SEO सही तरीके से होता रहे और आपका जो ट्रैफिक है वो मेंटेन रहे। आपको अगर ये डेटा एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं और किस फॉर्मेट में चूज कर सकते हैं सेव करना है। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर रेफरिंग डोमेन कि किस किस रेफरिंग डोमेन से यहाँ पर बैकलिंक बना हुआ है या किस वेबसाइट से यहाँ पर हमको रेफरिंग डोमेन आ रहा है। सेम इसी तरीके से आप एंकर्स देख सकते हैं, इंटरनल जो बैकलिंक्स है वो देख सकते हैं। एक खास फीचर जो है इसका जो सबसे सही है वो है इसका लिंक इंटरसेक्ट। अब आप यहाँ देखेंगे लिंक इंटरसेक्ट में है क्या, ऐसा खास क्या है इसमें। सिंपली आपको पता लग जाएगा कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उसने कहाँ पर बैकलिंक बनाया है बट आपने कहाँ बैकलिंक नहीं बनाया है, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस बहुत सही तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट डालेंगे और आप यहाँ अपनी वेबसाइट डालेंगे कि कहाँ पर हमको बैकलिंक नहीं मिला है। आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट डालनी है और ऊपर कॉम्पिटिटर की वेबसाइट डालनी है ताकि आप यहाँ पता लगा पाए कि आपके बैकलिंक्स कहाँ नहीं बने। हम शो लिंक अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि आपको इसने वो डेटा दे दिया है। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ बता रहा है कि इतने जो डोमेन हैं वो आपकी वेबसाइट पर नहीं है या उनसे बैकलिंक नहीं मिला है, और जो आपकी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पर है उस पर कितने बैकलिंक्स किस किस वेबसाइट से मिले हैं वो सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पर शो हो गया। आप इस फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आप इस पर अपने बैकलिंक्स बना सकते हैं। इससे होगा क्या कि इससे आपकी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होगी और साथ ही आपको ट्रैफिक मिलेगा। अब हम आते हैं अपने ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के टैब पे, यहाँ क्लिक करते हैं हम। आप यहाँ देखेंगे आपको ऑर्गेनिक कीवर्ड्स शो कर रहा है कि इनके कौन से कीवर्ड्स हैं जो रैंक कर रहे हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर कीवर्ड दे दिया गया है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसकी डिफिकल्टी क्या है आउट ऑफ 100 उसको रैंक करने के लिए, क्या कॉस्ट लग रही है उस पर अगर आप ऐड चलाते हैं, क्या ट्रैफिक आ रहा है, रैंकिंग में क्या चेंजेस आए हैं, पोजीशन के जो जो सारे डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो डेटा है वो US के अकॉर्डिंग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर US सेलेक्ट है। आप यहाँ से किस कंट्री का डेटा देखना है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो डेटा आपको उसके हिसाब से शो करेगा। उसी तरीके से आप इनके टॉप पेजेस, टॉप सब फोल्डर्स, टॉप सब डोमेन,
कंटेंट गैप, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आप यहाँ उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से है इनका पेजेस का एक फॉर्मेट, जिस जो कि है बेस्ट बाय लिंक्स, यानी कि सबसे ज्यादा लिंक के अकॉर्डिंग ग्रोथ उस पेज की हो रही है वो हम यहाँ देखते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि इसने जो बेस्ट पेजेस है, यानी कि जो वेबसाइट, ये जो पेजेस हैं, इन पेजेस पे सबसे ज्यादा बैकलिंक्स आ रहे हैं, आपको ये देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ एक बता रहा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा रेफरेंस डोमेन है, सबसे ज्यादा रेफरेंस डोमेन इस पार्ट के लिए है, इस पेज के लिए है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। डू फॉलो है, नो फॉलो कितने हैं, रीडायरेक्ट टाइप का कितना है, सारा का सारा डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर आप देखेंगे टॉप कंटेंट, यानी कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलर कंटेंट है इनकी वेबसाइट का वो कौन सा है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ ये देखिए, ये इनका सबसे ज्यादा पॉपुलर कंटेंट है। यहाँ इसने सारा का सारा बता दिया कि ट्विटर पे कितने रिएक्शंस हैं या लाइक्स हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। आप यहाँ से ये डेटा देख सकते हैं और आप इसी के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं कि ट्रेंडिंग और साथ ही जो पॉपुलर कंटेंट है जिसपे आप बना सकते हैं कुछ नया कंटेंट और अपनी वेबसाइट पर डाल के उसे रैंक करा सकते हैं। अब हम आते हैं अपना पेड पीपीसी वाले पार्ट पे। हम देखते हैं कि इनकी वेबसाइट से कौन से कीवर्ड पर एड्स चल रही हैं, अगर रन हो रहे हैं तो वो हमें यहाँ शो कर देगा। हम पेड कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको वो बताएगा कि किस कीवर्ड पर ये एड रन कर रहे हैं, क्या ट्रैफिक है, क्या पोजिशनिंग है वो, और साथ ही वॉल्यूम भी बता रहा है। और अगर आप उनका एड भी देखना चाहते हैं तो एचआरएफ टूल आपको उनकी एड्स भी यहाँ शो कर देता है। आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ सर्च पे अगर होवर करते हैं तो आपको उनका जो टाइटल है, उनका जो यूआरएल है और साथ ही उन्होंने क्या कंटेंट में लिखा हुआ है वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। सिंपली अगर आप किसी भी कीवर्ड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको उस कीवर्ड का सारा डेटा, की डिफिकल्टी क्या है, आपको किसी कीवर्ड या इस कीवर्ड को रैंक कराने के लिए कितनी बैकलिंक्स या रेफरेंस डोमेन की जरूरत पड़ेगी, क्या वॉल्यूम है, इस कीवर्ड का क्या पोटेंशियल है, इसका ये जो अगर कोई सब कैटेगरी है तो उसका जो पेरेंट टॉपिक है वो क्या है, ग्लोबल वाइज कीवर्ड का जो हमारा है क्या क्या वॉल्यूम है, वो सारा का सारा डेटा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। हमने यहाँ देख लिया कि किन किन कीवर्ड्स पे एड रन हो रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं इनके एड्स पे, क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कौन से एड्स बने हुए हैं वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। ये देखिए, यहाँ पर आपको प्रॉपर इन्होंने एड दिखा दी है कि एड किस तरीके से लिखा गया है। आप यहाँ से एड का जो फॉर्मेट है, क्या आपको यूज करना चाहिए, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और आप यहाँ से देख के अपने कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करके अपने हिसाब से एड रन कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, यानी कि अगर अगर ये किसी टाइप का एड है तो इस टाइप के एड पे आप भी रन करा सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लीड्स जनरेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इनके पेड पेजेस पे। पेड पेजेस में आपको पता लग जाएगा कि या कौन से पेजेस हैं जिन पे एड्स रन हो रही हैं, उनकी कॉस्टिंग क्या है, चेंजेस क्या है, ट्रैफिक क्या है, सबसे ज़्यादा टॉप कीवर्ड कौन सा है उनका, सारा का सारा डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से अपने हिसाब से किस पैरामीटर के अकॉर्डिंग डेटा देखना चाहते हैं वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप एचआरएफ टूल को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के लिए चाहे तो आप कीवर्ड रिसर्च, चाहे तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस पूरे प्रोसेस में किसी भी पार्ट पे आप अटक गए हो कि जो पार्ट आपको समझ में ना आया हो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और साथ ही प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करते। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।